नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं, ये एक प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री की कंपनी है जिसका मार्केट कैप 64.5 करोड़ रुपए के समथिंग का है। इस स्टॉक का 52 वीक का हाई 48.5 रुपए का है और लो जो है 22.06 रुपए का है। वहीं इस स्टॉक का जो अभी करंट प्राइस है ये 38-40 रुपए के आसपास का है। दोस्तों, कंपनी की अपन फाइनेंशियल पोजीशन देखें, कंपनी पे 21 करोड़ से ज़्यादा के तो रिजर्व हैं, वहीं बोरोइंग मात्र 10 लाख रुपए की है, मतलब ऑलमोस्ट 100% डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। लेकिन आप कंपनी पे देखें 30 करोड़ से ज़्यादा के जो है इन्वेस्टमेंट है, वहीं 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कंपनी पे अदर एसेट्स है, मतलब कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बहुत स्ट्रांग है। दोस्तों, कंपनी में आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें, 55% से ज़्यादा की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स की कंटिन्यूअसली बनी हुई है। दोस्तों, वहीं कंपनी के जो क्वार्टर्स हैं आप देखें, कंटिन्यूअसली ग्रो करते हुए क्वार्टर आ रहे हैं। कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ रही है। जो लास्ट क्वार्टर आया है इसमें कंपनी को 1.29 करोड़ रुपए के लगभग का जो है नेट प्रॉफिट हुआ है। दोस्तों, ये जो स्टॉक है दोस्तों, इसकी बुक वैल्यू जो 22.90 रुपये है और ये 38 रुपये के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। और ये जो स्टॉक है इसका पी रेशो अभी इसकी इंडस्ट्री के पी रेशो से थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन ये जो कंपनी है दोस्तों, पैकेजिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट और जार बॉटल इन सब की मैन्युफैक्चरिंग करती है। दोस्तों, कंपनी की जो क्लाइंटेल है उसमें अच्छी अच्छी प्राइवेट लिमिटेड और मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं इसकी क्लाइंट हैं। दोस्तों, ये जो है स्टॉक फ्यूचर में अच्छा रिटर्न इसलिए देने की क्षमता रखता है क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस है आप देखें, कंपनी की सेल्स जो है कंटिन्यूअसली ग्रो हो रही है। दोस्तों, कंपनी का जो ऑपरेटिंग लॉस में कन्वर्ट हुई है 2020 के बाद से ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। आप देखेंगे 2022 में जहां कंपनी को 61 करोड़ रुपये से ज़्यादा का जो है ऑपरेटिंग लॉस था वो कम के मात्र 6 करोड़ कुछ का बचा है। हो सकता है आने वाले टाइम में 1 से 2 साल के अंदर ये जो है पॉजिटिव रिटर्न में कन्वर्ट हो जाए क्योंकि मेरे हिसाब से प्रमोटर्स जो है उनको ट्रस्ट है अपने बिजनेस पे, जब वो कंस्टेंटली उसमें होल्ड करके रखे हैं। दोस्तों, कंपनी का जो है आप सेल्स ग्रोथ भी देखें, पिछले 12 महीने में 14% है, प्रॉफिट ग्रोथ 133% है, CAGR 82% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 2% है। दोस्तों, इन सब बेसिस पे लगता है ये जो स्टॉक है फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से की सलाह से इस स्टॉक में निवेश की रणनीति बना सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्टॉक है इसमें मेरे लिए सबसे बेस्ट लेवल जो है एंट्री का वो 32 रुपये से 24 रुपये के बीच का है। दोस्तों, यदि अभी की कंडीशन में ये जो स्टॉक है आप देखें, ये थोड़ा नीचे आ रहा है दोस्तों, है ना, यदि ये 32 रुपये तक आता है फिर उसके नीचे आता है तो मैं इसमें धीरे धीरे क्वांटिटी ऐड करना स्टार्ट करूंगा। आने वाले समय में ये जो स्टॉक है बहुत अच्छे लेवल पे देखने को मिल सकता है। आप देखें, ये जो स्टॉक है एक टाइम पे 142 रुपये के समथिंग था और अभी ये 30-40 रुपये के समथिंग ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, तो दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे स्टॉक्स का एनालिसिस आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, धन्यवाद।